आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बदमाश शामिल थे। हमलावर वकील बनकर आए थे और यह घटना कोर्ट रूम नंबर 207 में हुई। जानकारी के अनुसार हमला करने वाले 2 बदमाश थे और जब उन्होंने जितेंद्र गोगी पर हमला किया तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था रहती और सबके गेट पर चेकिंग होती। चूंकि हमलावरों ने वकील की ड्रेस पहनी हुई थी तो माना जा रहा है कि इस वजह से लोग आसानी से सुरक्षा चेकिंग से बच निकले। हालांकि यह सवाल उठता है कि वह दोनों हथियार लेकर चले आए और किसी को पता नहीं चला। पुलिस इसे गैंगवार बता रही और हमलावर टिंकू गैंग के थे। जानकारी के अनुसार नामी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को हमले में कई गोलियां लगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए एक वकील ने बताया कि जब हमला हुआ तो जज और जितेंद्र गोगी के बीच मात्र 1 मीटर का फासला था। यहीं पर ताबड़तोड़ गोलियां चली और ये भी कहा जा रहा है कि एक महिला वकील भी घायल है। गैंगस्टर गोगी पर हत्या, फिरौती पुलिस पर हमला करने के कई मामले चल रहे। जितेंद्र को पुलिस ने पिछले साल गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था और उसे जब गिरफ्तार किया था तब उस वक्त उस पर 8 लाख का इनाम था।